नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रीवा दौरा है और निकाय के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 45 पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और ऐसे में रीवा का उनका ये कार्यक्रम जहाँ पर रीवा, सतना और सीधी में जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस विंध्य क्षेत्र को साधने के लिए मुख्यमंत्री की ये बड़ी कोशिश है और इसके लिए बकायदा प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली हुई है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री का ये प्रचार अभियान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे और 45 पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। और सीएम शिवराज रीवा दौरे पर हैं और रीवा दौरे पर रहते हुए वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रदेश के अंदर जिस रफ्तार के साथ प्रदेश की सरकार काम कर रही है वो बताएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है, लिहाजा अब सियासी दल का फोकस निकाय चुनाव के दूसरे चरण पर है और इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ गुरुवार को रीवा दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ का हेलीकॉप्टर चौरहटा हेलीपैड पर लैंड करेगा, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद कमलनाथ सीधे चुनावी सभा के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की चुनावी सभा करीब 2 घंटे तक होगी, जिसकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है और पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे को लेकर उत्साहित भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दस पच्चीस पे एयरपोर्ट पे आएंगे, इसके बाद उनकी 2 मुलाकातें हैं, कुछ गणमान्य नागरिकों से मुलाकात है, कुछ उनके से लोग मिलकर अपनी बातें रखना चाहते हैं। उन 2 मुलाकातों के बाद वो सभा स्थल पहुँचेंगे और वहाँ 2 घंटे की सभा है। हमें ऐसा लगता है कि करीब करीब सभा स्थल को 11:30 बजे पहुँच जाएंगे और 11:30 से तकरीबन 1:30-2 तक उनका कार्यक्रम है और उनके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का रीवा दौरा अपने आप में बेहद खास है और रीवा दौरे पर न सिर्फ कमलनाथ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी हैं और ऐसे में कमलनाथ का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र जहां पर बीजेपी का एक लंबे समय से कब्जा रहा है और इस अभेद्य किले को पर कब्जा करने के लिए, इस पर सेंधमारी के लिए कांग्रेस की नज़र भी है और इसीलिए बाकायदा पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये दौरा उस लिहाज से बेहद खास और अहम हो जाता है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये रीवा दौरा जहां पर वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, साथ ही साथ 10:30 बजे पहुंचने का ये उनका कार्यक्रम था, लेकिन अब 11 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच करके वो मैसेज क्या देंगे, संदेश क्या देंगे, ये फिलहाल देखने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। तो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ और पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये रीवा दौरा बेहद खास, बेहद अहम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सभा को संबोधित करेंगे, जहां से जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी की नीति, रणनीति, इस सब के बारे में कार्यकर्ताओं को बताएंगे भी और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए वो कोशिश भी करेंगे। और रीवा इसलिए भी खास क्योंकि रीवा, सतना और सीधी के आसपास ये पूरी ऐसी बेल्ट है जहां पर बीजेपी का होल्ड रहा है, जहां पर बीजेपी एक प्रभावशाली पार्टी के तौर पर रही है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए, कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नज़र भी है और इसीलिए रीवा का ये दौरा पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए अपने आप में अलग और ख़ास हो जाता है, ताकि इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाया जा सके, जमाया जा सके। और कुछ सियासी समीकरणों को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता, दिग्गज नेता भी यहाँ पर दिखाते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान पूरी तरीके से जो प्रचार की कमान है वो कमलनाथ के द्वारा संभाली गई है और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पीसीसी चीफ होने के नाते अलग अलग जगहों पर वो सीधे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं,
जनसमर्थन की अपील भी कर रहे हैं और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। राज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रीवा से। और राज, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये दौरा अपने आप में अलग और खास, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में प्रभुत्व बीजेपी का रहता है, लेकिन इस क्षेत्र पर सेंधमारी के लिए, इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने के लिए भी अब कांग्रेस की टीम, कांग्रेस के नेता इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि आज सीएम कमलनाथ जी का, पूर्व सीएम कमलनाथ का दौरा रीवा में है और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा रीवा पे है। दोनों नेता आमने सामने होंगे और दोनों चुनावी सभा को संबोधित करेंगे यहाँ पे। और जहाँ तक है, यहाँ त्रिकोणी श्रृंखला रीवा में जो चुनाव की जो दिख रहा है माहौल, वो त्रिकोणी श्रृंखला बन चुका है, क्योंकि यहाँ बीच में आम आदमी पार्टी ने भी अपना महापौर यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया है। हालांकि आज कमलनाथ दौरे पे हैं और वो दौरा करके वोट मांगने का प्रयास करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। और चूंकि 45 वार्डों में चुनाव होने हैं और महापौर प्रत्याशी के लिए और 45 पार्षदों के लिए आज यहाँ पे सभा करके वो चुनाव की में बहुत सारी घोषणाएं करेंगे और वोट मांगने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वोट की अपील भी करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि रणनीति क्या होगी, रणनीति में कोई बदलाव नजर आएगा क्या? और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, ये कितना ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस, खास करके कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि अभी तक करीब 15 वर्षों से बीजेपी मेयर कैंडिडेट में जो भी अपना दबदबा था बीजेपी ने बनाया हुआ था, और 15 साल बाद अभी चुनाव की जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो दावेदारी है दोनों पक्ष की, चूँकि ब्राह्मण कैंडिडेट दोनों तरफ खड़े हुए हैं, एक तरफ अजय मिश्रा बाबा हैं, दूसरी तरफ वेंकटेश जी हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो भी जनता का फैसला है वो कहीं उभर के सामने नहीं आ पा रहा है। और दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और संपर्क बना रहे हैं एक दूसरे से। इसके बाद अब देखना ये होगा कि जनता किस ओर आकर्षित होती है, कौन से वादों के पीछे जनता जाती है। हालांकि सीएम आज रीवा आएंगे और वो भी अपने कई घोषणाएं करेंगे, लुभावने वादे करेंगे, अब देखना होगा कि इसमें मतदान में कितना असर पड़ता है।